So now let me know, we have studied properties which are more important as far as static condition is concerned. So we told that surface tension is essentially important in static conditions. So static condition mein surface tension काफी ज्यादा important होती है. Does that mean is surface tension altogether vanishes when the fluid is in motion? When the fluid is flowing, surface tension zero होगी कि non-zero होगी? Non-zero. So please remember, it is the relative magnitude. उनका magnitude आपस में किसका ज्यादा है वो dominate करेगा. But इसका ये meaning नहीं है कि other property will vanish altogether under motion or under static condition. सर मैग्नीट्यूड किसका डोमिनेट करेगा सर? मैग्नीट्यूड से आपने कहा जैसे मान लीजिए हम फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जैसे मान लीजिए ओशन के अंदर है, वेव्स हैं, तो फ्लूइड इज फ्लोइंग. नाउ यू आल्सो सी अ सरफेस ऑफ वाटर. यस सर. तो इसका मतलब सरफेस टेंशन तो है वहां पे. लेकिन मान लो आप इंटरेस्टेड ज्यादा किसमें हो कि फ्लूइड कैसे फ्लो कर रहा है, तो विस्कोसिटी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उस केस के अंदर रादर देन सरफेस टेंशन. यस सर. यस सर. तो आप क्या चूज कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट. ओके. क्लियर है? यस सर. क्लियर. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट cohesive forces, adhesive forces. Now we are formally moving towards viscosity as it is in flow. Now let me know, say yahan pe maine ek plate rakh li, that this plate is stationary, ye plate move nahi kar sakti. Yahan pe koi material rakh de jisko main test karna chahta hu, and say ye ek aur plate hai, ये प्लेट भी और ये प्लेट भी, ये दोनों प्लेट्स इस मटेरियल से पूरी अटैच की हुई है, से थ्रू ग्लू और समथिंग लाइक दैट, आपने पूरा अटैच कर दिया. ये प्लेट इस मटेरियल से भी अटैच है और ये प्लेट भी इस मटेरियल से अटैच है. नाउ आपने अब इसको एक कॉर्ड बांध दी, रस्सी बांध दी, एंड यू हैव पुट अ वेट सो दैट this weight pulls this wire or rope in this direction. Okay, now let me know what will happen, say if this was a rigid body first. So this was a rigid body, what will happen? It will experience shear stress. If this is a rigid body, this body is attached to this plate as well as this plate. So if the material to be tested is a rigid body, what will happen? Try to think, I am drawing it here again. Say this is now a rigid body. This plate is stationary. You are trying to move this plate. If this is a rigid body, what will happen to this material? Will there be any kind of deformation or not? Sir, no deformation. Only this. हाँ जी बताइए. Sir, rigid body है तो sir deformation नहीं होगा, but ये जब move करेगा तो sir deformation तो होना चाहिए थोड़ा सा ना. नहीं, हमने क्या बोला था rigid body में? Rigid body क्या है? एक बॉडी जिसमें बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है. यस सर. तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मैं बोलूं, मैंने एक पूरा एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया बड़ा सारा ब्लॉक, ठीक है, तो ब्लॉक तो डिफॉर्म नहीं करेगा? नहीं सर. ठीक है, तो ये जो प्लेट है ये इसके साथ पूरी फिक्स्ड है, तो ये मूव कर पाएगा नीचे ब्लॉक? नहीं. नहीं. नो सर. ठीक है, वो अपनी लोकेशन पे रहेगा. क्लियर है? यस सर.
अगर मैं बहुत ज्यादा लोड लगा दूंगा तो क्या होगा? तो ये रिजिड बॉडी यहां से टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां पे लोड, यहां पे लोड लगा। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। अब दूसरा केस आइए, यहां पे एक डिफॉर्मेबल सॉलिड है। सर सर एक बार दोबारा बताना सर, आपने क्या बताया कि जो बॉडी है वो टूटना शुरू हो जाएगी, मतलब इस केस में अगर बहुत ही ज्यादा लोड लगा दिया, लेकिन वो कंडीशन तो कुछ और होगी ना, वो रिजिड बॉडी रही नहीं उस टाइम पे। अगर मान लो यहाँ रिजिड बॉडी है, जैसे लकड़ी का एक पूरा ब्लॉक पड़ा है, उसको नीचे से भी आपने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है एक प्लेट के ऊपर, जो प्लेट खुद फिक्स्ड है, ठीक है, उसके ऊपर वाली प्लेट इस ब्लॉक के ऊपर अटैच्ड है, और आप इसको यहां से खींच रहे हो, तो क्या होगा? ये यहां से भी फिक्स्ड है, यहां से भी फिक्स्ड है, कुछ नहीं मूव कर पाएगा, एक स्ट्रक्चर की तरह हो जाएगा, अ रिजिड स्ट्रक्चर। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। अब मान लो इस लकड़ी के टुकड़े की बजाय मैं एक, मान लीजिए सेव आई प्लेस अ रबर ब्लॉक, what will happen? Sir, rubber to sir deform kar jayegi sir. Deform karegi. So what will be the shape of the block then? Sir, usme shear stress aa jayega. Shear stress. Shear stress aa jayega. To agar main yahan pe draw karun, say this was the bottom block, bottom plate. So this was the rubber block initially, and say this is the top plate which is being pulled. So what do I see? After some time, the block will take this shape. Are you clear? So now the block is this one. It has deformed due to application of this force. Are you clear? Yes, sir. Now, this is the case of a deformable solid. हांजी, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट रुकिए, आई थिंक द कलर इज नॉट ओके। नाउ यू आर एबल टू सी? हांजी, आर यू एबल टू सी स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस सर, इट इज विजिबल। So I am drawing with a darker color now. So this red thing is the shape of the rubber block after application of this load. So what kind of load is this? Shear. Shear load. So we are testing all the bodies under shear. First we considered rigid body. Now we are considering deformable body, and in both cases we have considered solid. Now, what about if I have in between these two plates, instead of any solid, I have water? Say this is the plate. Sorry, I should have drawn it like this. Wait for a second. So this is a plate which is, so this is the plate. I am again putting the second plate. Say this is the second plate. And this is being pulled in this direction. And between these two plates, I have say water. Now what are you deformable solid? Haan ji, deformable solid wala case samjha do ek baar dobara. Deformable solid maan lijiye ye aapke paas rubber hai, ye blue wali, ye wali. Yes sir, rubber ka block hai, ye niche se to fixed hai,
और ऊपर से भी फिक्स है, ऊपर से जो प्लेट है दैट कैन मूव इन राइट डायरेक्शन. तो जब आप इसको पुल करेंगे आप तो क्या होगा, टॉप सरफेस जो होगा वो इसके साथ अटैच है तो वो इधर जाने की कोशिश करेगा. यस सर. तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, लाइक दिस. यस सर. तो दिस इज द केस ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड. ओके सर. हाँ जी, क्लियर है. यस सर. अब आपने यहाँ पे दोनों प्लेट्स में वाटर रख दिया, व्हाट विल हैपन. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अभी लोड लगाओगे तो क्या होगा सर, डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा. क्या डिफॉर्म होगा, ये प्लेट तो मूव करेगी सर. प्लेट मूव करेगी. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में डिफरेंस बताओ. इस केस में अगर मान लो मैंने यहाँ पे 5 ग्राम डाला, फिर 1 kg डाला, फिर 20 kg डाला, क्या 5 ग्राम पे डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा सॉलिड. नो सर. ठीक है, वो डिपेंड करेगा, इसको मिनिमम एक अमाउंट चाहिए होगी जिसपे वो डिफॉर्म करे, वो शायद 1 kg हो इंस्टेड ऑफ 5 ग्राम. लेकिन यहाँ पे बताइए, चाहे मैं यहाँ पे 2 ग्राम्स डालू चाहे 5 ग्राम्स डालू, क्या ये प्लेट मूव करेगी कि नहीं करेगी. इस केस में तो मूव करेगी. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. तो व्हाट डज दैट मीन, एक स्मॉल फोर्स भी लगाने पे ये लिक्विड्स डिफॉर्म रहता है. हां, सो न्यूटोनियन फ्लूइड्स, सो आई एम पुटिंग इट हियर इन इनवर्टेड कॉमास, क्योंकि ये पर्टिकुलरली न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए एब्सोल्युटली ट्रू है दैट व्हेन यू हैव इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ लोड तब भी ये शियर स्ट्रेस इसमें इंड्यूस हो जाता है. तो इसमें कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं चाहिए, कि ऐसे नहीं कि जैसे मान लो इसमें मैं बोलूं कि 500 ग्राम डालोगे तभी ये इधर को मूव करना स्टार्ट करेगा, नहीं तो ये मूव नहीं करेगी. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसमें चाहे आप 2 ग्राम्स डालिए, चाहे 1 ग्राम डालिए, चाहे 50 ग्राम्स डालिए, इसने कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म करना ही करना है, मतलब इस प्लेट ने मूव करना ही करना. तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स और लिक्विड्स कैन नॉट रिजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर शियर लोडिंग. चाहे जितनी मर्जी छोटी शियर लोडिंग हो, it will not be able to resist its deformation due to that shear loading. Are you clear? So, jo yahan pe agar main water ka element banau, so this is the water element originally, what will happen to the water element after this has started moving? What will happen? This will essentially become somewhat like this. So I'm drawing with some other color. So this will become like this. So this horizontal thing, this block of fluid has again changed its shape to this parallelogram. But there is a difference between this one and this one. So what is the difference? यहाँ पे threshold value चाहिए, यहाँ पे threshold की कोई value नहीं. हाँ जी, clear है. और यहाँ पे continuous deformation होगा. इसका मतलब क्या है? तो ये प्लेट मूव करती जाएगी, करती जाएगी. लेकिन यहाँ पे मान लो आपने 1 kg रख रखा है, कुछ देर के बाद क्या होगा, रुक जाएगी. ये रुक जाएगा. ठीक है, तो फ्लूइड में कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन होती है. एंड व्हेन आई से फ्लूइड, सो प्लीज रिमेंबर, सारे फ्लूइड में ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ स्पेशल फ्लूइड्स हैं. उनको क्या बोलते हैं हम, न्यूटोनियन फ्लूइड्स. और इनको कहीं और जगह ये भी बोलते हैं,
simple fluids. So jab main bolta hu, fluids cannot resist deformation under shear loading. इसका मतलब क्या हुआ? जो fluids deformation को resist ही नहीं कर सकते shear loading में, उनको मैं क्या बोलूंगा? Newtonian fluids और simple fluids. But please remember, this definition does not apply to all fluids. Sir? हाँ जी. सर बट सर मैं पढ़ रहा था बुक में, तो सर वहां लिखा हुआ था अगर सर फ्लूइड सर डायनामिक कंडीशन में होते हैं हाँ. तो सर उसमें भी सर वो जो डिफॉर्मेशन है उसको रेजिस्ट कर सकते हैं. कैसे? अब सर मेरे को वो तो नहीं पता. नहीं डिफॉर्मेशन मैं वही कह रहा हूँ, कुछ फ्लूइड कर सकते हैं. अब एग्जांपल मैं बोलूं, अब आप मुझे बताएं, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, से आई एम पुटिंग इट हियर. Say, instead of this water, I have honey. Honey के केस में क्या बनेगी? होगी? तरह की एग्जांपल टूथपेस्ट भी हो सकता है ना, कि जब तक प्रेशर लगेगा तब तक फ्लो करेगा. आप टूथपेस्ट देख लीजिए. टूथपेस्ट में क्या करते हो आप? If there is this tube. You need to press this tube so that the paste can come out. तो आपका एक minimum level of आपको squeeze लगाना पड़ता है, then only it flows. हाँ जी सर. Otherwise it can sustain as such stationary रह सकता है वो, ठीक है ना? तो इस केस में this is also fluid. लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू रिक्वायर्ड है कि नहीं है? रिक्वायर्ड है इसके लिए. रिक्वायर्ड है. तो प्लीज रिमेम्बर, जब थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं रिक्वायर्ड, उस तरह के फ्लूइड को मैं बोलता हूं सिंपल फ्लूइड और न्यूटोनियन फ्लूइड. लेकिन अगर थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड है या और बहुत सारी चेंजेस हैं, तो उसको मैं बोलता हूं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल. नॉन न्यूटोनियन, जैसे अब मैं बोलूं आपको एग्जांपल, आपने सबने नमक देखा है, नमक जो पैकेट में आता है. Yes, yes, yes. तो अगर नमक को आप एक जार में डालते हैं, क्या वो फ्लूइड है? Yes, वो भी फ्लूइड की तरह ही फ्लो कर रहा है ना. तो फ्लूइड क्या डिफाइंड है एक जनरली, कि दैट कैन फ्लो. Yes, sir. अब आपने एक और एग्जांपल हो रहा है, एक्सट्रूजन प्रोसेस पढ़ा है? एक्सट्रूजन? नो सर. नहीं पढ़ा. अच्छा ठीक है सर, ठीक है. तो आई विल नॉट डिस्कस दिस. तो अभी आप कह रहे नमक अगर हम पोर करते हैं किसी कंटेनर में, दैट इज अ फ्लूइड, ठीक है. नाउ Does it mean that it is actual fluid in simple sense? जैसे वाटर को ट्रीट करते हो, कैसे आप उस फ्लूइड को ट्रीट कर सकते हो? आप ट्रीट कर सकते हो? नहीं कर सकते. अब मैं एक और बता रहा हूं. आपने सबने वीट फ्लोर देखा है? मान लीजिए आटा आपके पास, आटा गूंदा हुआ है, इज दैट अ फ्लूइड और नॉट? नो सर, फ्लो तो करेगा नहीं सर, डिफॉर्म सॉलिड होगा. आप उस पे शियर फोर्स लगाएं, क्या वो फ्लो करेगा? नो सर. हां जी सर, फ्लो नहीं करेगा सर. आपने गीला आटा देखा है कभी? हाँ सर, फ्लो नहीं करता सर, बहुत भारी होता है सर. नहीं, अगर आप उस पर कुछ फोर्स लगाओगे वो अपनी शेप चेंज करता है पूरा? यस सर, शेप चेंज हो जाता है. और वापस आता है अपनी शेप पे वापस कि नहीं? सर ज्यादा फोर्स लगाओ तो नहीं आता है, बहुत स्लाइट फोर्स लगाओ तो शायद आ जाए. नहीं आएगा सर, नहीं आता सर, वापस लाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा. नहीं आता, तो इट डज नॉट डिफॉर्म. So please remember, there is no clear boundary between solid and fluids.
सर्टेन सॉलिड्स कैन बिहेव लाइक फ्लूइड्स, बहुत सारे सॉलिड्स फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं, ऐसे हमने नमक का केस बताया मैंने आपको, नमक के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, अगर आप उनको एक कंटेनर में डालो वो बल्क बिहेवियर फ्लूइड की तरह शो कर रहे हैं। तो प्लीज रिमेम्बर, प्लीज यहाँ पे फिर डिस्टर्बेंस आ रही है, एक सेकेंड आई एम अगेन म्यूटिंग ऑल, सो जिसका क्वेश्चन होगा प्लीज आस्क बाय अनम्यूटिंग। Excuse me, sir. हाँ जी सर, जो न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स में कोई ऐसा रेशियो होता है जिससे कि ये रेशियो में न्यूटोनियन फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन में कन्वर्ट हो जाएगा या वाइस वर्सा? नहीं, रेशियो नहीं है उसमें, सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट है। देखो जो न्यूटोनियन है उसमें क्या चीज है, कोई थ्रेशोल्ड नहीं रिक्वायर्ड, और दूसरा जो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन रेट, इसको आप शियर स्ट्रेन रेट भी बोलते हो। ये मैं भी बताता हूं क्या मतलब है इस चीज का, और नॉन न्यूटोनियन में ये चीज फॉलो नहीं होती, बस यही फर्क है। सर सर हाँ जी सर, अगर ऐसा कोई फ्लूइड है जिसमें मतलब सिर्फ एक बार अगर आप शियर फोर्स लगा दें उसके बाद लगाने की जरूरत ना पड़े, उसके बाद फिर वो डिफॉर्म होता चला जाए, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूटोनियन या नॉन न्यूटोनियन? डिफॉर्म होता चला जाए, एग्जांपल जैसे जैसे आपने ये कंटेनर, आप ये कह रहे हैं ये वाला पड़ा है एक ब्लॉक फ्लूइड का, आपने ये प्लेट के बीच में पड़ा है, ये प्लेट स्टेशनरी है, आपने यहाँ पे लोड लगा दिया, आप कह रहे हैं 2 ग्राम, ठीक है ना, तो अब आप क्या कह रहे हैं कि आपने 2 ग्राम हटा दिया कि लगाया हुआ अभी भी? बस एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया, उसके बाद ऐसा कुछ होता है फ्लूइड की आगे फिर डिफॉर्म होता चला, फिर ना लगाने की जरूरत? हाँ, मतलब एक लोड पे जब आपने फोर्स हटा दिया तो वो स्टेशनरी हो जाएगा। हाँ सर। हाँ जी। जो सर फ्लूइड है उसमें सर वो, उसमें सर मैटर है तो उसके पास सर मास तो होगा ही। हाँ। तो उसके सर ग्रेविटेशन फोर्स सर हमेशा एक्ट करेगी। ठीक है, तो सर जो सर फ्लूइड है वो सर हमेशा ही होता रहेगा डिफॉर्म? हाँ, यू हैव रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि मान लो उसका सेल्फ वेट है, जो यही बोल रहे हैं आप सर? हाँ जी सर, जैसे दीवार पर अगर हनी गिरा दे तो हनी अपने आप नीचे आता रहेगा ना सर? हाँ आता रहेगा, लेकिन मान लो हनी को आप एक टेबल पे रख दो, हॉरिजॉन्टल टेबल पे, क्या होगा? फिर नहीं जाएगा। कुछ देर के बाद क्या होगा, मान लो आपने एकदम से उसको फ्लो करवाया था, कुछ देर के बाद वो स्टेशन में आ जाएगा। ठीक है सर। हाँ सर, फिर सर सर हम जब तक सर बता रहे हैं कि ऐसे फ्लूइड पे फोर्स लगाते हैं, मतलब जब तक शियर फोर्स लगते हैं जब तक वो डिफॉर्म करता है। हाँ। तो सर ये एक्सपेरिमेंट जो सर परफॉर्म होते हैं ये सर वैक्यूम में होते हैं या फिर ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दिया पहले हमने एक बार? नहीं नहीं, हम ऐसी सिचुएशन जैसे अब ये टेबल है, क्या आप यहाँ पे वाटर के ब्लॉक को विदाउट कंटेनर खड़ा रहने दे सकते हो? नहीं सर, बह जाएगा वो, बह जाएगा अपने आप। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो शियर स्ट्रेस अपने सेल्फ वेट का भी नहीं सह पा रहा। जी सर। ठीक है ना, तो अपना सेल्फ वेट भी सहन नहीं कर पा रहा और वो एक फ्लो करके वो फाइनली इस कंडीशन में आ जाता है। सो दिस इज अ न्यूटोनियन फ्लूइड विच इवन कैन नॉट रेजिस्ट द शियर फोर्स ड्यू टू इट्स ओन वेट। ये इतना ये इन फ्लूइड्स को हम बोलते हैं न्यूटोनियन, और टिपिकल एग्जांपल है वाटर और ग्लिसरीन, ये टिपिकल एग्जांपल्स हैं जो ऐसा बिहेवियर शो करती हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए सर, जो आपने अभी एग्जांपल दिया वाटर का सर, वो आपने बताया कि वो फैल जाएगा टेबल पे। हाँ जी सर, वो जो शेप लेगा अपना वो सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग लेगा ना? वो सरफेस टेंशन की लेगा, लेकिन अगर मैं बोलूं जैसे हम एक ब्लॉक ले लेते हैं लकड़ी का, तो वो तो वहीं पे लोकेशन में अपना वेट सहार लेता है। यस। ठीक है, और अगर जेली बोलूं, जेली देखिए सबने? यस सर। तो जेली आपने देखा होगा, आप जेली को टेबल पे रख दीजिए वो ऐसे रह जाती है। यस सर। तो जेली इज ऑल्सो फ्लूइड
लेकिन ये न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं है, क्योंकि जेली भी फ्लो कर सकती है, जैसे जैम है, जैम भी फ्लो कर सकता है। फ्लो का मतलब क्या हुआ, आप जैम की पतली लेयर बना सकते हो उस पे चम्मच घुमा के। यस सर, बट दीज आर नॉट लाइक प्योर प्योर फ्लूइड्स सर, दीज आर नॉट सिंपल फ्लूइड्स। यस सर, तो तभी मैं बोल रहा हूँ जो आप कंसीव करते हो फ्लूइड, वो एक्चुअली न्यूटोनियन फ्लूइड सोचते हो आप जब भी सोचते हो फर्स्ट इंस्टेंस पे। जैसे वॉटर है, तो वॉटर एक आपका सिंपल फ्लूइड है जो आप एक्चुअल में कॉमन सेंस से सोचते हो, लेकिन नेचर में इतने सारे मटेरियल्स हैं जिनको हम फ्लूइड क्लासिफाई कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस कि वो फ्लो कर सकते हैं। तो प्लीज रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड है जो आपको कॉमन सेंस से लगती है, लेकिन हमने बाकी चीजों को स्टडी करने के लिए हमने उनको भी फ्लूइड की कैटेगरी में डाल रखा है, क्योंकि उनके कुछ करैक्टरिस्टिक फ्लूइड वाले हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ जी, क्लियर है सर? मान लो सर हमने किसी तरह सरफेस टेंशन को जीरो के इक्वल कर दिया, तो सर वाटर का शेप क्या बनेगा अगर वो टेबल पे होगा? सरफेस टेंशन जीरो कर दिया? यस सर। तो जीरो का मतलब क्या होगा? मतलब कोई सरफेस टेंशन है नहीं टेबल और वाटर के बीच में। हाँ, इट विल बिकम गैस। तो सरफेस टेंशन नहीं, टेबल किसके बीच में नहीं है सरफेस टेंशन? सर वाटर गिरा हुआ है ना टेबल पे। हाँ तो सर वाटर और सरफेस, वाटर और टेबल के बीच में सरफेस टेंशन जीरो कर दिया है। आपने यहीं पे थोड़ा गलत बोल रहे हो आप। सरफेस टेंशन इज बिटवीन और अमंग द वाटर मॉलिक्यूल देमसेल्व्स, उसका सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। सरफेस से एडहेशन फोर्स होगी। ओके, आप समझ रहे हैं? जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स में होती है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है उसको एडहेशन फोर्स बोलते हैं, दैट इज नॉट सरफेस टेंशन। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। ठीक है, हाँ जी, एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट? हेलो सर, सर आपने बताया था हनी को अगर टेबल पे से स्प्रेड करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है। हाँ सर, तो इसलिए आपने बताया उसको नॉन न्यूटोनियन बोलते हैं। सर वाटर केस में तो है, कुछ टाइम बाद तो वो भी रुक जाता है सर। मैं नॉन न्यूटोनियन बोलते हैं क्योंकि उसमें कुछ और चीजें वैसी नहीं है वाटर जैसी। लेकिन आप जैसे आप, मैं हनी का भी बोलूं, क्या हनी सस्टेन कर सकता अपने आप को? आप हनी का लंप बना के रख सकते हो टेबल पे, ऐसे रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते ही नहीं। हनी का लंप बना के आप टेबल पर रख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. नहीं रख सकते? No. वो भी अपनी वेट की वजह से फ्लो कर जाएगा? कर जाएगा। Yes, sir. लेकिन उसका वाटर से बिहेवियर डिफरेंट है फिर भी बहुत एस्पेक्ट्स में, वो मैं बताऊंगा कैसे। तो ये भी एक फ्लूइड है हनी भी, लेकिन ये है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ऐसे जेली भी एक फ्लूइड है, लेकिन जेली ना हनी जैसा है ना वाटर जैसा है, लेकिन ये फिर भी एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। हमने एक रेफरेंस मान लिया कि अगर एक सिंपल फ्लूइड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं है तो वो नॉन न्यूटोनियन है। तो नॉन न्यूटोनियन में आपका बहुत सारे फ्लूइड आ जाते हैं, पेंट भी आ गया, ब्लड भी आ गया, देन जेली, All those are non-Newtonian fluids. लेकिन ये ध्यान में रखना आपने, non-Newtonian fluid जब मैं बोल रहा हूं तो एक non-Newtonian fluid दूसरे non-Newtonian fluid से भी different हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे non-Newtonian fluid एक जैसे हैं। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, now ये table आपको बहुत चीज clear करेगा। और अब मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ लोडिंग लिख रखी है, नॉर्मल में टेंसाइल आता और कंप्रेसिव आता। सिंपल सॉलिड का मतलब क्या हुआ? अ सॉलिड विच ऑबेज हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी, इलास्टिक सॉलिड। और सिंपल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड है? दैट ऑबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अभी हम वो पढ़ेंगे क्या है वो। ठीक है,
तो सिंपल फ्लूइड हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड, सिंपल सॉलिड हो गया इलास्टिक सॉलिड। ये हमारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स में, या सॉलिड्स और फ्लूइड्स में इन जनरल। हम इन रेफरेंस से बाकियों को देखते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। हमको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट क्यों माने हमने, क्योंकि वाटर हमने देखा है हमारी डेली लाइफ में, सबसे ज्यादा वाटर देखा है, तो हमने उसको ही रेफरेंस पॉइंट मान लिया। बाकियों को हम उसके कंपैरिजन में देखते हैं हर एक प्रॉपर्टी को, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब नॉर्मल लोडिंग में अगर आप ध्यान से याद करें, सिंपल सॉलिड में क्या होता है, कैन इट सपोर्ट टेंसाइल एंड कंप्रेसिंग लोडिंग और नॉट। सिंपल सॉलिड जो है, यस सर इट कैन, इट कैन। आप उसको टेंसाइल लोड लगाएं तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, आप उसको कंप्रेसिव लोड लगाएं उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। कैन इट सपोर्ट शियर लोडिंग सॉलिड, यस। नाउ लेट मी नो उसकी मेमोरी कैसी है, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी, ओवर ठीक है ना। तो आप इसको वैसे सोच के देखिए, इट इज अ मिरेकल कि एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी एक मेमोरी की तरह ही है। दिस इज जस्ट लाइक अ मेमोरी दैट व्हेन वंस यू हैव डिफॉर्म्ड दिस बॉडी इट हैज कम टू दिस लोकेशन, बट व्हेन यू रिमूव दिस लोड इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। सो देयर इज सम काइंड ऑफ मेमोरी इन दिस लीनियर इलास्टिक सॉलिड, ठीक है। तो क्या आप इस मेमोरी का रीजन बता सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या होता है अगर दो मॉलिक्यूल्स थे अंडर इक्विलिब्रियम, उसमें इतना डिस्टेंस था, आपने उसको डिस्टेंस को बढ़ा दिया यहां पे ले आए, तो क्या होगा, उसको अपनी हैप्पी स्टेट में वापस आना है, तो क्या होगा, वो यहां से वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करेगा। हाँ जी क्लियर है। सिंपल सॉलिड और सिंपल फ्लूइड को ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक सर्टेन मैग्नीट्यूड के बाद जो सिंपल सॉलिड है वो ब्रेक हो जाएगा, बट फ्लूइड के केस में ऐसा नहीं होगा। सिंपल सॉलिड ब्रेक तो नहीं होता, जैसे हम बोलते हैं, आपने सॉलिड स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि नहीं अभी, थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत। अच्छा नहीं, आपने सॉलिड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ सर, तो इसी सेमेस्टर में। अच्छा इसी सेमेस्टर तक वो हुक्स लॉ फॉलो करता है, तब तक सिंपल रहता है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपके पास कोई भी मान लीजिए, मैं एग्जांपल बोलता हूँ, आपके पास जैसे रबर बैंड है, ठीक है। तो रबर बैंड को अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, ये मान लीजिए रबर बैंड कैसा स्ट्रेच करते हैं, हाँ जी प्लीज नो डिस्टर्बेंस प्लीज, मैंने आपको पहले देखा हो, आप उसको स्ट्रेच करते रहे तो उसकी लेंथ फाइनली चेंज हो जाती है, और अगर आप और ज्यादा स्ट्रेच करते हैं वो टूट जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल सॉलिड का मतलब क्या हुआ, यहां तक बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर, जब तक वो वापस अपनी साइज और शेप में आ जाए तब उस तक का बिहेवियर हम बोलते हैं दैट इज सिंपल सॉलिड बिहेवियर। तो प्लीज रिमेंबर ये बिहेवियर है रादर देन डिफाइनिंग अ मटेरियल, दिस इज अ बिहेवियर, लीनियर इलास्टिक इज अ बिहेवियर। उस बिहेवियर जो भी वो बिहेवियर शो करता है आप उसको सिंपल सॉलिड बोल देते हो, ठीक है। हाँ जी क्लियर है, एनी डाउट्स, नो सर, ठीक है। तो दिस वॉज रिगार्डिंग नॉर्मल इन केस ऑफ सॉलिड एंड टेंजेंशियल इन केस ऑफ सॉलिड एज वेल, एंड दिस वॉज वाई इट इज कॉल्ड इट हैज सम काइंड ऑफ मेमोरी बिकॉज इट रीगेन्स अपनी वापस उसी शेप में और साइज में आ जाता है। और इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप लगता है, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, ठीक है। अब हम आए सिंपल फ्लूइड में जो न्यूटोनियन फ्लूइड है,
इसमें क्या होगा, नॉर्मल टेंसाइल कंप्रेसिव लोड ये बेयर कर सकता कि नहीं? अगर मैं पूछूं वाटर, वाटर वाटर कंप्रेसिव लोड बेयर कर सकता है? इनकंप्रेसिबल है तो बेयर कर लेगा। हाँ बेयर कर लेगा। अगर एयर होती फिर क्या होता? नहीं तो वो खुद कंप्रेस हो जाएगा, कुछ वॉल्यूम चेंज हो जाएगा उसका। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताइए वाटर कंप्रेसिव लोड ले सकता है, एयर भी ले सकती है, एयर कंप्रेस हो जाएगी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वाटर का वॉल्यूम बहुत ही कम चेंज होगा जो नेग्लिजिबल होगा। अब मुझे बताइए टेंसाइल के केस में क्या वाटर टेंसाइल लोड ले सकता? नो सर। नो सर। टेंसाइल का आप समझते हैं मतलब? यस सर, वो खींच नहीं सकते सर उसे। अब मैं पूछ रहा हूं आपको हनी, हनी क्या टेंसाइल लोड ले सकता है? यस सर ले सकता है। यस ले सकते हैं आप सर। हाउ हनी कैन टेक टेंसाइल? हाँ मैं पूछ रहा हूं, जैसे यहां पे हनी पड़ा मान लीजिए, इसमें से मैंने एक स्पून को पुल किया तो हनी स्पून पे लगा हुआ है। अब मैंने इसको पुल कर लिया ऊपर, अब इस स्पून से नीचे हनी गिर रहा होगा? Maybe. हनी गिर रहा होगा ना? यस सर। अब इस हनी की अगर आप देखो मोशन, आप घर पे करके देख सकते हो, इसकी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगी कि कम होगी? सर जी ही होगी सर, कम होगी थोड़ी सर, कम होगी, कम होगी। अगर आप देखोगे ना, अगर आप बॉल फेंको उसी हाइट से और हनी को नीचे जाने दो, आप देखोगे बॉल ज्यादा तेजी से नीचे जा रही है, हनी कम तेजी से जा रहा है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नेट नेट लग रहा है कोई? लग रहा है। यस सर। यस सर। तो दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। तो सर्टन लिक्विड्स और फ्लूइड्स कैन एक्चुअली रेजिस्ट टेंसाइल लोडिंग, एंड हनी इज एन एग्जांपल, बट हनी इज नॉट अ न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके सर। अगर वाटर करोगे, वाटर उतने ही वेलोसिटी से गिरेगा, मतलब सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरेगा वो, उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा। सर इसका मतलब सिर्फ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड टेंसाइल स्ट्रेस को बियर कर सकते हैं? सिर्फ नॉन न्यूटोनियन में भी? कौन से वाला कह रहा हूं मैं अभी? हनी सर। हनी। तो प्लीज रिमेंबर, मैं जब नॉन न्यूटोनियन बोल रहा हूं वो सारों पे अप्लाई नहीं होती, वो कैरेक्टरिस्टिक। तो सर नॉन न्यूटोनियन सर हम विस्कस फ्लूइड ज्यादा यूज करते हैं क्या सर इन केसेस में? नहीं, विस्कस भी है। हाँ विस्कस, इसमें विस्कोसिटी ज्यादा है तो इसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस आपको दिखते हैं। अगर आपने एक और एग्जांपल लेते हैं, टेंसाइल लोडिंग, हां जी एक्सक्यूज मी सर, टेंसाइल लोडिंग बेयर कर पाएगा कि नहीं, वो तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि हम कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं उस पे और कितने टाइम उसकी एप्लीकेशन हो रही है, मतलब उसकी एप्लीकेशन में कितना टाइम लग रहा है। सो प्लीज डोंट क्रिएट डिस्टरबेंस सर। हां जी सर, आपने बताया था कि मतलब कोई फ्लूइड अपनी पुरानी शेप की मेमोरी को याद नहीं रखता, हाँ जी, वो सर नॉन विस्कस और विस्कस दोनों के लिए ट्रू है? दोनों के लिए ट्रू है, लेकिन वो एक ऐसी और कैटेगरी है, इसको बोलते हैं हम विस्को इलास्टिक। ये ना सॉलिड होता है ना ये फ्लूइड होता है, ये विस्को इलास्टिक का मतलब उसके विस्कोसिटी के भी कैरेक्टरिस्टिक है, इलास्टिक के भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसे फ्लूइड में कुछ मेमोरी होती है, कुछ मेमोरी का मतलब क्या है, वो शायद कुछ थोड़ा सा वापस आ जाए अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करे, लेकिन वो एक्चुअल में फ्लूइड वैसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। हमने स्लाइम किस इसका एग्जांपल है क्या? क्या कह रहे हैं सर, कैन स्लाइम बी अ गुड एग्जांपल फॉर दिस? स्लाइम? यस सर, विस्को इलास्टिक फ्लूइड का एग्जांपल। स्लाइम नहीं होती, आप अगर आप नेट पे जाके देखेंगे ये हाई पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स का मतलब हुआ ये आपको एक हाईली विस्कस पॉलीमर की तरह होता है, तो जिसको हम आप अगर नेट पे देखेंगे उसको सिली पुट्टी बोलते हैं। तो हनी, हाँ जी बताइए सर, हम सर कोई फिनोमिना हो रहा है फ्लूइड का, तो सर हम किसी भी फिनोमिना में सर फ्लूइड एलिमेंट कैसे करते हैं डिसाइड की? जैसे मानिए सर फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप से, हाँ तो फ्लूइड सर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे आपने बताया था एग्जांपल था कि वाटर रखा हुआ है किसी कंटेनर में, हाँ तो उसे सर स्पून से घुमा रहे हैं,
तो सर दोनों ही अलग फिनोमिना है, तो सर ऐसे सर अलग अलग फिनोमिना में सर हम कैसे करते हैं डिसाइड कि इस केस में हमें फ्लूइड एलिमेंट ये लेना है? हाँ, वो एक वो अपने आप में स्टडी है जब आप डायनेमिक्स पार्ट पे आओगे कि अब आप क्योंकि जैसे सॉलिड है, सॉलिड में तो आपको पता है कि ये मैटर है, इसकी डिफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, लेकिन फ्लूइड के अंदर तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स और कितने साइज पे आप डिफरेंट मैटर्स को कंसीडर करोगे और किसको ट्रैक करोगे, आप यही बोल रहे हैं? हेलो, जैसे यही बोल रहा हूं मैं। हाँ, तो ये हम पढ़ेंगे कि इसको करते कैसे हैं, क्योंकि ऐसा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है देखने में, लेकिन हमारे पास सिंपल वेज है इनको एनालाइज करने के लिए। जी सर, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे जब हम काइनेमेटिक्स और कुछ टेम्परेचर के बाद या कुछ शेयर के बाद वो न्यूटोनियन बन जाए, जैसे मान लो जो ऑयल है, ऑयल बहुत ज्यादा वो होने के बाद अपनी सर्विस लाइफ में जब उसका पूरा मॉलिक्यूलर फोर्सेस वैसे हो जाएं तो वो एक न्यूटोनियन फ्लूइड बन सकता है, ठीक है ना? यस सर। तो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है मतलब उसमें टेंशन फोर्स ही लगती है, टेंशन फोर्स बहुत कम होती है टेंसाइल फोर्स। तो मैं अगर सिर्फ डेफिनेशन बताऊं न्यूटोनियन फ्लूइड की, वो ये है यहाँ पे कि शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को मैं लिख देता हूं करली यू बाय करली वाई। जो भी ये करेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं उसको मैं क्या बोलता हूं, न्यूटोनियन फ्लूइड, और कुछ भी नहीं है। जो ये करेक्टरिस्टिक नहीं फॉलो करते, सर जो आपने हनी का एग्जांपल दिया था अभी पीछे सर, उसमें आपने ना दूसरा वाला फ्लूइड था वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का, हाँ, इसमें सर आपने ये बताया था कि उसमें टेंसाइल फोर्स लग रही है, मतलब वो ग्रेविटी कम हो जाती है ना, जी उसका कम हो रहा है थोड़ा सा, वाटर के कंपैरिजन में जी की वैल्यू कम हो रही है उसकी। हाँ, बेसिकली उसकी एक्सेलरेशन ऊपर, मतलब पहले जी से जाना था अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो, क्योंकि अब इस पे एक्सटर्नल ऊपर भी लग रही है, तो इसका मतलब मान लो ये ए लग रही है तो नेट कितना हुआ सर, जी माइनस ए हो गया, जी माइनस ए, ठीक है ना सर? क्या स्लाइड थोड़ी सी हम ऊपर कर देंगे सर, थोड़ी सी टेबल पूरी? हां, एक सेकंड पढ़ाए डाउट में उनका का मतलब कुछ मतलब नहीं, नहीं मैं जैसे लिख के जे गरियो वे करा उनका कोनो मतलब नहीं उनका। हां जी, देख देख बग भेजा। हां जी प्लीज, हां जी बताइए। नहीं सर, सर वो तो बस नीचे आ रही सर, म्यू देखना था सर, म्यू सर विस्कोसिटी है, थी ना सर? म्यू विस्कोसिटी है, और प्लीज रिमेंबर, थैंक यू सर, म्यू की डेफिनेशन है tau is equal to mu du by dy, this is definition of viscosity itself, jo defined hai wo Newtonian fluid ke liye defined hai, please remember mu defined hi Newtonian fluid ke liye। agar main bolu honey, aap uski viscosity to bolte ho lekin wo actual mein viscosity nahi hoti, wo hoti hai apparent viscosity। मैं कोई ऑयल बोलूं जो नॉन न्यूटोनियन है, मैं बोलूं कि फ्लो ऑफ सॉल्ट, ऑल ऑफ देम आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, इसकी कुछ विस्कोसिटी तो आप डिफाइन कर ही सकते हो, लेकिन वो विस्कोसिटी नहीं होगी इस केस में, उसको क्या बोलूंगा मैं, एपरेंट विस्कोसिटी। तो प्लीज रिमेंबर विस्कोसिटी सिर्फ जब मैं बोलता हूं उसका मतलब होता है न्यूटोनियन, बाकी सब फ्लूइड्स के लिए मैं यूज करूंगा वर्ड एपरेंट विस्कोसिटी। सर एपरेंट विस्कोसिटी इसलिए यूज हुआ है क्योंकि वो सर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है शेयर रेट पे ना? हाँ, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है शेयर रेट पे भी और टाइम पे भी, जैसे आप कुछ कह रहे थे कि टाइम कुछ टाइम के बाद वो किसी और तरह से बिहेव कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ और तरह से बिहेव कर रहा है, तो वो आप ऐसे कर सकते। सर एपरेंट विस्कोसिटी फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए एक ट्रू प्रॉपर्टी तो नहीं होगी? फिर ट्रू प्रॉपर्टी नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई, वेयर म्यू इज अ
constant function constant. then it is Newtonian. अच्छा अगर मैं लिखूं tau is equal to mu, अब मैं यहाँ पे कुछ इसको फंक्शन बना दूं, मान लो ये किसी फंक्शन है किसी चीज का, मान लो फंक्शन है f का g का h का, और यहाँ पे ऐसे लिख दूं, तो ये क्या चीज होगी? Now mu is a constant or not? Now mu is a function variable. And this now mu is called apparent viscosity, and this mu which was a constant is called coefficient of viscosity or dynamic viscosity. तो ये दोनों चीजों को compare तो कर सकता हूं मैं, मान लो ये था मेरे पास water के लिए और ये था मान लीजिए मेरे पास toothpaste के लिए. सर हाँ du by dy क्या है, like du can be change in length, फिर dy क्यों है? वो तो एक constant length होनी चाहिए थी. अच्छा अब मैं अभी एक मिनट बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए. से दिस इज अ प्लेट एंड से फ्लूइड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. What will happen? ये जो layer है, जो bottom most layer है, वो इससे adhesion force की वजह से attach हो जाएगी? जी सर. हाँ जी. Yes sir. Attach हो जाएगी ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? Velocity यहाँ point पे क्या होगी? इस point पे? Zero. Zero. यहाँ पे मान लो ये था, say u infinity. The velocity at this point will be, you are saying, it is zero. Why it is zero? हम मान के चल रहे हैं वो adhesion हो रही है उसपे. Adhesion हो रही है. Surface के साथ. Surface के साथ. मान लो यहाँ पे water की जगह mercury होती, flow कर रही. सर zero हम लोग किसी चीज के comparison में बोल रहे हैं ना, मतलब कि adhesion forces सर cohesion forces से ज़्यादा हैं, इसलिए बोल रहे हैं. हाँ यहाँ पे अगर मैं इसको बोलते हैं आप no स्लिप बाउंड्री कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ सर? जो सरफेस है, हाँ अडहेशन फोर्स है वो ज्यादा. यस सर. ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मान लो वाटर की जगह ये ग्लास का सरफेस था, मान लो मर्करी फ्लो कर रही होती, तो क्या नो स्लिप? क्या नो स्लिप होगी? नहीं सर. सर वहां पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा होंगे. नहीं है. हाँ आप समझ गए अब आप. तो इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मटीरियल इटसेल्फ. अगर सेम प्लेट है, सेम फ्लूइड वेलोसिटी है, अगर वाटर है, देयर कैन बी नो स्लिप कंडीशन. इफ इट इज मर्करी, देयर कैन बी स्लिप कंडीशन. स्लिप का मतलब क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी तो जीरो. सर रिलेटिव मोशन होगा सर. हाँ रिलेटिव मोशन होगा इसमें. हाँ जी क्लियर है. हाँ जी sir, already 10:30, next lecture is. Oh sorry, I am breaking for today then, so please we will continue in the next lecture. Sir bas ek bar apparent viscosity ki definition bata dijiye sir. Apparent viscosity is this only, which is a function. Apparent viscosity is if we compare a non-Newtonian fluid with a Newtonian fluid, aur hum isko correlate karna cha rahe hain ki is case mein kaisa hoga, to ye apparent viscosity hai. एक तरीके से ये कह सकते हैं जैसे कि न्यूटोनियन विस्कोसिटी, न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो होते हैं उनके लिए विस्कोसिटी डिफाइन होता है सर रेशियो ऑफ वो जो शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर रेट होते हैं. और सर जो अगर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं उसके लिए सर एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग डिफाइन करें. नहीं, उसमें देखो जैसे यहाँ पे क्या होगा, वो बेसिकली मैं यहाँ बताता हूँ. एग्जैक्टली म्यू विल बी फंक्शन ऑफ डी यू बाई डी वाई एंड टाइम. तो ये मैंने ऐसे लिख दिया. अब भी तो आप इसको डिफाइन कर पा रहे हो कि mu is equal to ratio of tau by du by dy, ऐसे डिफाइन कर रहे हो. लेकिन अब ये mu खुद क्या है? फंक्शन ऑफ du by dy भी है, t भी है, तो कॉन्स्टेंट नहीं है. वी विल गेट इन टू डिटेल्स ओके सर, क्योंकि अभी आपका लेक्चर है. आई डोंट वॉन्ट की दूसरा लेक्चर परेशान हो. ठीक है, ठीक रिकॉर्डिंग शेयर कर देना. हाँ ठीक है, ओके.